फर्स्ट अर्बन स्ट्रक्चर। गैज, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही छोटे छोटे हिंदी वाक्यों का बहुत यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि कॉपी किसके लिए थी, वो किताब किसके लिए थी, ये तोहफे किसके लिए है, ये घड़ी किसके लिए है। गैज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए पहले आपको यूज़ कर देनी है हु के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आम, आर या फिर वाज, वेयर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद फॉर के बाद अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट में है तब आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देनी है इज, आम, आर में से किसी एक, और पास्ट के लिए वाज, वेयर में से किसी एक। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। खाना किसके लिए है, हु इज द फूड फॉर, Who is the food for? वो मोबाइल किसके लिए था, Who was that mobile for? Who was that mobile for? ये घड़ी किसके लिए है, Who is this watch for? Who is this watch for? कॉफी किसके लिए थी, Who was the coffee for? Who was the coffee for? वो किताब किसके लिए थी, Who was that book for? Who was that book for? ये ड्रेस किसके लिए है, Who is this dress for? Who is this dress for? ये तोहफे किसके लिए है, Who are these gifts for? Who are these gifts for? Second urban structure। कैसे रही उसके दोस्त की शादी, कैसा रहा उसका अनुभव, कैसा रहा उसका काम पर पहला दिन। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज़ कर देनी है हाउ, हाउ के बाद वाज, वाज के बाद आपको यूज़ कर देनी है पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे कि माई, योर, हीज, हर, आवर, देयर, ये सब, और लास्ट में अदर वर्ड्स। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। कैसे रही उसके दोस्त की शादी, हाउ वॉज हिज फ्रेंड्स वेडिंग, हाउ वॉज हिज फ्रेंड्स वेडिंग। कैसा रहा उसका काम पर पहला दिन, हाउ वॉज हिज फर्स्ट डे एट वर्क, हाउ वॉज हिज फर्स्ट डे एट वर्क। कैसा रहा उसका अनुभव, हाउ वॉज हर एक्सपीरियंस, हाउ वॉज हर एक्सपीरियंस। कैसा रहा तुम्हारा दिन, हाउ वॉज योर डे, How was your day? कैसे रही तुम्हारी मीटिंग, How was your meeting? How was your meeting? कैसी रही आपकी दिल्ली की ट्रिप, How was your trip to Delhi? How was your trip to Delhi?